भारत की आध्यात्मिक चेतना के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद, उनके संकल्प और सिद्धांत को समर्पित राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य करोड़ों युवाओं द्वारा नए भारत के निर्माण की सोच में विरासत और विकास का सही समन्वय लाना है। ये स्वामी जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक और आकांक्षी युवा ही वो नींव है जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। वर्ष 2022 में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं राष्ट्र युवा महोत्सव भी अपनी रजत जयंती मना रहा है। इस उपलक्ष्य में देश भर के युवा स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को विभिन्न माध्यम से आत्मसात कर रहे हैं, स्वयं भी समझ रहे हैं और राष्ट्र को भी समझाने की नई नई विधियां ढूंढ रहे हैं। मैं शपथ लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, कर्तव्य है, उन्हें पूरा करने का, पूरा करने का प्रयास करूंगा, प्रयास करूंगा। प्लेटफॉर्म जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव देता है वो युवाओं के लिए एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का काम करता है, एक सीखने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस वर्ष श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती भी है। उनके राष्ट्र प्रेम की साक्षी उनकी रचनाएं, उनकी कथा और कविता, उन्हें भी इस वर्ष के उत्सव में श्रद्धांजलि दी जा रही है। I walked on the high-weight seat of Solomon. I walked on the high-weight seat of Solomon. Where Shankaracharya's tiny temple stands. Where Shankaracharya's tiny temple stands. स्वामी विवेकानंद के विचार जो युवाओं को जन सेवा से जग सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, उनके अंदर कर्तव्य बोध का जन्म देते हैं। उनके इस विचार से प्रभावित हमारे करोड़ों युवा इस उत्सव में समाज के लिए अपनी संवेदना के कई उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए लड़कर आजादी हमें दिलाई, तो अब इस आजाद भारत को हमें आगे लेकर जाना है और इसके लिए अपने हर संभव प्रयास करने हैं। भारत का भविष्य और युवाओं का वर्तमान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे आज के युवाओं की सोच, उनका कौशल, उनका सामर्थ्य, उनके आदर्श ही कल के उस भारत का निर्माण करेंगे जहाँ सपने देखने और उन्हें सच करने में समानता होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इसी संकल्प को सिद्ध करने की प्रेरणा है राष्ट्रीय युवा महोत्सव।